हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हर बारी की तरह आज एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि ये इस अपडेट में क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है शेनिंगन का एक टॉपिक है। तो दोस्तों, कोविड के बाद जब सभी देशों ने वीज़े खोले, खास करके यूरोपियन देशों ने जो शेनिगन के अंडर में आते हैं या नहीं भी आते हैं, उन्होंने सभी ने अपने वीज़े ओपन कर दिए हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से या और देशों से फाइल जो हैं कंटिन्यू लगती ही जा रही हैं। तो दोस्तों, इंडिया में भी बहुत सारी फाइलें जो कि यूरोपियन देशों में घूमने के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म्स के लिए कोई मीटिंग के पर जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म्स कोई कोर्सेज करने के लिए जा रहे हैं, तो जो शॉर्ट टर्म्स के जो कोर्सेज या मीटिंग या घूमने के लिए आप जा रहे हो तो उनके लिए शेनिगन वीज़ा कंपल्सरी है। अगर आप किसी वर्क परमिट पे जा रहे हो या आप लॉन्ग टर्म्स पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। जिस देश में आप जा रहे हो उस देश के वीज़े की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जिस देश के अंदर आप मीटिंग करने जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो या आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए जा रहे हो तो उस देश के वीज़े के साथ आपको शेनिगन वीज़े की जरूरत पड़ती है। तो अभी ग्रीस को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं जो शेनिगन के अंडर में आते हैं, उन्होंने अभी सितंबर तक, किसी ने अगस्त तक, किसी ने सितंबर मिड तक, किसी ने अगस्त लास्ट तक और सितंबर लास्ट तक फाइलने का प्रोसेस बंद कर दिया है। वो क्यों बंद किया है? उनकी स्टाफ की कमी की वजह से, क्योंकि उनको डबल शिफ्ट लगाने के बावजूद भी अभी तक फाइलें उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, मीन की फाइल ज़्यादा जमा हो रही हैं और जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएंगे, मतलब कम होता जा रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी है। तो दोस्तों, आप फाइल को ज़रूर जमा कर सकते हैं मगर जो आपकी फाइल का नंबर है वो सितंबर के बाद ही आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है शेंजन कंट्रीज़ की में घूमने की, तो अगर आपने पहले 15 दिन की टिकट करा चुके हैं, 20 दिन बाद की टिकट करा चुके हैं, होटल बुक करवा चुके हैं, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाए। आप पहले प्रोसेस को देखें या फिर आप सितंबर के बाद ही फाइल को सबमिट करें, तभी आप लोगों को फ़ायदा है, नहीं तो आपका काफ़ी पैसा ख़राब होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अभी जो पहले की फाइलें हैं वो अभी कंप्लीट उनसे नहीं हुई हैं, उनके पास डंप लगता जा रहा है, इसलिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है कि अभी आप सितंबर तक या तो रुक जाइए या फिर आप फाइल लगा के वेट कर लीजिए, सितंबर के बाद आपका नंबर कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, जब नंबर आता है तो उससे पहले आप लोगों को मेल आ जाती है कि आपका जो फाइल है वो लग चुकी है, आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप उसी टाइम ही अपनी एयर टिकट्स वगैरह करवा सकते हैं या आप होटल बुक करवा सकते हैं। इसकी अपडेट आप उनके जो वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप उनके टोल फ्री नंबर से या उनके जो भी कस्टमर केयर नंबर से आप बात करके आप अपनी फाइल की प्रोसेसिंग का पता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रीस ने तो बोल दिया कि मेरे पास स्टाफ है, मैं आपको टाइम से आपका जो वीज़ा है लगा सकता हूँ, मगर ग्रीस को छोड़ के चाहे पोलैंड हो चाहे और भी कई जो शेंजन की कंट्रियाँ हो, उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, हम डबल शिफ्ट लगाने के बावजूद भी फाइलों का प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे डंप होती जा रही हैं तो आगे वर्क स्लो होता जा रहा है। तो अभी वो जो डंप हुई फाइलें हैं उनको निकालेंगे, फिर उसके बाद जो नई फाइलें लग रही हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप रुक जाइए, आप उनका जो पीछे का डंप है वो क्लियर होने दीजिए, फिर उसके बाद अपनी फाइलें आप लगा सकते हैं। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो डेली मीटिंग कर रही है शेंजन के साथ, शेंजन कंट्रियों के साथ, कि आप जल्दी से इन फाइलों को क्लियर करें। उनकी डेली की डेली मीटिंग हो रही है क्योंकि यहाँ से जितना भी अभी स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड में पढ़ना चाहता है या और कंट्री में या शेंजन की किसी भी कंट्री पढ़ना चाहता है, और या कोई ऐसी जरूरी मीटिंगें हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड होती हैं, बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से सरकार भी दबाव डाल रही है कि आप जल्दी जल्दी अपने स्टाफ को पूरा करें और जो फाइलें लगी हुई शेंजन की उनको कंप्लीट करें। ठीक है, इसी शेंजन की अपडेट कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोग से जा चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।